जीतता तो कांग्रेस है। अच्छा, आप इस बात से सहमत है कि गांव में बलवान जीतेगा बादरा में? टक्कर है, बराबर की बात है। आदने वहाँ और की बात लेंगा शर्त की, वो तो वह 10,000 रुपए 10 की मारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला नहीं रहा, सामने सामने वाला सामने नहीं आ रहा, छोड़ के मैदान छोड़ के वो संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भादरा विधानसभा क्षेत्र के गाँव बरुवाड़ी में, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में जो है कांटे का मुकाबला है वो चल रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से संजीव बेनीवाल है जो पूर्व में विधायक रहे, और माकपा से बलवान पूनिया है जो यहाँ पे जो है अभी 2018 में यहाँ से विधायक चुने गए, वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने अभी कैंडिडेट है वो यहाँ पे नहीं उतारा है। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं बरुवाड़ी गांव के लोग, उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम लेखराम भारी है। अच्छा, लेखराम भारी। तो भारी साहब, क्या माहौल है आपके गाँव की बात करें? हमारे गाँव की बात करें तो बलवान पूनिया सबसे आगे है, आगे ही नहीं उसको टक्कर दे के उसके मतलब 75% वोट है बरुवाड़ी में। बलवान टोटल कितने वोट है आपके गांव में? शायद 4,000 ही साथ 3,300 हो जाए। 4,000 में 3,000 वोट है बलवान पूनिया की आएगी। अच्छा, 4,000 में 3,000 है? हाँ जी। अच्छा, यानी कि 70% 70% से ऊपर ही आए। अच्छा, तो बीजेपी को भी मिलेंगे वोट? हाँ, बीजेपी के बाकी बीजेपी कर लो, दो तीन और कैंडिडेट हैं उनकी कर लो, कुल मिला के वो बाकी 1,000 में वो रह जाए। सरकार ने जो सरकार रही कांग्रेस की, उसने कुछ कामकाज आपके गांव में कितना विकास कार्य जो है हुए, कितना कांग्रेस की सरकार रही है उसमें विकास हुआ है? हुआ है। और बलवान पूनिया की मार्फत मानते हैं मैं, ये विकास बलवान पूनिया की मार्फत हुआ है, उसकी मार्फत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बलवान पूनिया मार्फत से काम हुआ है। ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, लड़कियों का 12 का स्कूल हो गया है। बरुवाड़ी से राजपुरिया पक्की रोड निकाल दी है, अभी काम चल रहा है। ये कितना बड़ा चौगान है वो, ये उसकी देन है। और ये जो भी काम है वो बलवान पूनिया ने किया और कांग्रेस सरकार उसका साथ भागीदार है। तो आप शर्त मार रहे थे कि मैं शर्त मार रहा हूँ बरुवाड़ी गाँव से? अच्छा, वो मेरा छोटा भाई है सोनू सारण। अच्छा, उसके साथ है, वो कह रहा है कि ये हार रहा है। सोनू का हार रहा है, मार रहा है। तो भाई, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, कपास उगता हुआ आया हूँ यहाँ। वो बरुवाड़ी गांव की मैं भी इतने जानता हूँ कि बरुवाड़ी गांव में कॉमरेड जीतेगा। अच्छा, अच्छे मतलब बढ़िया वोटों से जीतेगा। अच्छा, तो ये शर्त कितने कितने की? शर्त की वो तो वह 10,000 रुपए 10 की मारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला नहीं रहा, सामने सामने वाला सामने नहीं आ रहा, छोड़ के मैदान छोड़ के वो वैसे छोटा भाई है इसलिए नीचे उतर गए चौक से। उप सिंह बारी। तो आप सर क्या क्या करते हैं आप? मैं तो रिटायर कर्मचारी हूँ, कृषि डिपार्टमेंट से, कृषि विभाग से। अच्छा, कृषि विभाग से। तो सर क्या लग रहा है कि राजस्थान के सिनेरियो को समझे तो इस बार राजस्थान है वो क्या चाह रहा है? राजस्थान वापस कांग्रेस सरकार रिपीट करना चाहता है, कांग्रेस सरकार इसके मतलब शासन में बहुत अच्छे काम हुए हैं। तो सरकार में हालांकि राजस्थान का अगर इतिहास देखें तो क्योंकि 30 साल से जो परंपरा चल रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको बदलना है फिर। अच्छा, इस बार परंपरा टूटेगी, इस बार जी। और बाकी बीजेपी को, चूँकि बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं जो पहले भी विधायक रहे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कार्य नहीं हुए, मोदी जी ने काफ़ी अच्छे कार्य किए केंद्र में, इसलिए जो है हमें वोट दो। हमारे गाँव में तो मोदी जी पिछली सरकार ही बीजेपी की एक स्कूल बंद कराए, काम वो करे विकास का में, वो अब दोबारा खुलाए हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल, 500 करके 20 स्कूल बंद करे पड़े खुलाए हुए, और 8 मिडिल स्कूल था उसको लड़कियों का, उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए। तो बलवान पूनिया कहते हैं कि बाबूजी ने जो स्कूल बंद किए, बाबूजी कौन है? बाबूजी संजीव जी। अच्छा, वो है सरकार इनकी है, इनको बोल नहीं रहे हैं ये। अच्छा, सरकार बंद हो रही है स्कूल तो भी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा,
स्कूल बंद हो रहा है। क्या नाम है सर? समुंदर सिंह जी। सारण। अच्छा समुंदर सिंह। हाँ। नाम भी मजबूत नाम। हाँ, मजबूत नाम। तो क्या 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 माहौल रहने वाला है सर आपके इस इलाके की बात करें? ठीक है, कामरेड कबड्डी है। हाँ जी। और बाकी अगर कांग्रेस का कैंडिडेट आता है तो फिर सिनेरियो किस तरह से रहेगा? कांग्रेस का नहीं आता है तो फिर किस तरह से रहेगा? वो एक ही बात है, कोई फर्क कौन बनना हो, कांग्रेस के फर्क पड़े। अच्छा, कोई नहीं। तो और कुछ भी लोग भी हमारे साथ। हाँ जी सर, आप भी इसी गांव के रहने वाले? नमस्कार सर जी। इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी जी। तो क्या क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है सर जी, बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा। और हमारे प्री सिमन के साथ पंचायत है, वहाँ से बलवान पुनिया बढ़ के निकलेगा। हाँ, प्री सिमन के साथ गाँव। पूरी बात रहा तो बोल नहीं सकते। अच्छा। और परी सिमन के साथ पंचायत है ना वहाँ। आपका क्या नाम सर? लदराम जी। तो क्या ये जो सारे लोग बता रहे हैं कि वो बात सही है या आप आपका इस गांव की सही है ये बात? इस गांव में बलवान पुनिया जीत रहा है। हाँ जी हाँ जी, बलवान पुनिया जीत रहा है जी। हाँ जी, कुछ और लोग भी हैं उनसे भी चर्चा करें। हाँ जी हाँ जी, सारण साहब क्या हाल चाल है? मैं ठीक है जी। वो आप सर से कैसे नीचे कैसे उतर आए? वो बादरा के कह रहे थे, बादरा की। अच्छा, बादरा की। हाँ। तो आप इस बात से सहमत है कि गांव में बलवान जीतेगा, बादरा में टक्कर है? बराबर की बात है। ठीक है, ठीक। तो शस्त्र मारने के लिए तैयार नहीं हो आप? तो बराबर 150 किसी के कम ज्यादा आ सकते हैं ये। अच्छा, बात आपके गांव में बरवाली में सर तुम्हारा परिवार को यकीन सर तुम्हारा? तो क्या इन इस बात से सहमत है आप कि बलवान जीत रहा है या संजीव जीत रहा है? नहीं, टक्कर है जी दोनों। अच्छा, कितना का अंतर, कितना का मानते? 100-200 वोटा अंतर है। आपके गाँव में या टोटल ऑल ओवर? हमारे गांव की बार उत के भी रुपड़े तो। अच्छा, आप गांव गांव के। हां जी, नो कमेंट सॉरी। हां जी, नो कमेंट। हां जी, गांव से जीत है। कुछ और लोग भी हमारे साथ। हां जी सर, गांव से विजय बनाएंगे। गांव से विजय बनाएंगे। अच्छा, गांव से विजय बनाएंगे। तो आप क्या करते हैं? खेतीबाड़ी करते हैं? हां, खेतीबाड़ी। तो कैसी किसानों की कैसी हालात है इस बार, फसलों के क्या हालचाल है? किसानों की बढ़िया है। ठीक है, बिजाई कर दी है। हां, बिजाई कर दी है, बढ़िया है। फसलां तो माड़े ही थे, देखे को नहीं। हाँ, फसल गुलाबी सुंडी की चपेट में। हाँ, फसलां फसलां की को नहीं। तो मुआवजा वगैरह कोई सरकार ने दिया? मुआवजा नहीं दिया, मुआवजा नहीं मिला। कोई बीमा क्लेम वगैरह कोई खाया? अभी आने वाला है। अच्छा, आने वाला है, अभी आया नहीं है जी। चने का? तो अच्छा, चने का। तो नहरों में पानी इस सरकार में मिलता रहा आपको? प्रॉपर पानी वैसे मिलता रहा, कई बार कॉर्पोरेशन भी है, कुछ लोगों ने करवाई है जी, बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर। अच्छा, हरियाणा वालों ने करा दी? हम तो मानते हैं भाई, कोई नहीं मानता नहीं। हां जी, आप बता रहे थे, आप अपना की बोलते हैं? हैं, बता दो। जीतता कौन है? कामरेड जीतता तो कामरेड है। अच्छा, कामरेड जीत रहा है। तो आपको नहरी पानी सिंचाई के लिए बीमा क्लेम फसलों को सरकार ने मदद? पानी को नहीं आई तो को नहीं। अच्छा, वो भी नहीं है, पानी भी नहीं है यार। मैंने छुटा लिया, अभी छुटा लिया जी। के ये क्यों कह रहे हैं, कमेंट क्यों कर रहे हैं? यही कर रहा है, यही कर रहा है। वहाँ जमीन आदने वहाँ और की बात लेंगे। अच्छा, ये तो और की बालेंगे, और भी गांव में जमीन। हाँ जी, मैं कौन बना कूट भाव लोग? हाँ, मैं बता दूं पानी कारण के आयो क्यों को नहीं। पिछली बार एक अब तो 15 दिन चली नहर, 7 दिन रामगढ़ी पीटी गई है, 7 दिन भरवाली NTR पीटी गई है। इसमें मेन कारण है ऊपर तो है बीजेपी के अंदर, दूसरा है हरियाणा में भी बीजेपी है। वो जैसे ये बोल रहे हैं कि पीछे से नहर खराब है, ठीक है, मान ली खराब है, जैसे काजला हेड के पास है, तो 7 दिन जब रामगढ़ वाली नहर चली तो उसको ठीक करा सकते थे, नहीं करवाई, क्योंकि उसको पता है कि ये नहर नहीं आएगी तो यहाँ के वाटर रुष्ट होंगे। उसको क्या है कि नेताओं को क्या है, उसको राजनीति करनी है, जनता कुछ नहीं, उसको चाहे पानी लगे ना लगे, ये मेन कारण है पानी का, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। चाहते तो वो ठीक करा सकते थे 7 दिन जब रामगढ़ वाली चली थी। कौन ठीक करा सकते थे? बीजेपी की सरकार है केंद्र और हरियाणा में, और वहीं खराब है नहर। हाँ, तो और वो जानते हैं कि पानी ये बादरा साइड में चल रहा है दोनों नहरों का, और वहाँ पर जब नहर पीटी जाएगी तो वोटों का असर पड़ेगा। इसमें मेन कारण उसका है, इसमें कामरेड का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी सर, कामरेड जीते हमारे तो? जी, कामरेड जीते फुल जी, अच्छा काम करे जी। काम हुआ है? हाँ, बड़ो भारी तसील, बड़ो भारी काम करे जी। धन्यवाद। हाँ जी, कोई और भी रखना चाहता है अपनी राय, खबर खत्म करूँ?
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। ये बरवाली गांव के लोग थे और भादरा विधानसभा क्षेत्र में चूँकि चुनावी माहौल है वो लगातार जो है गर्माता जा रहा है। 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, नतीजे क्या होंगे वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।